वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। कल का दिन हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खास होगा। कल सनातन का सूर्य पूरे चमक के साथ दक्षिण से उदय होगा। कल ओवैसी के गण में वो होने जा रहा है जिससे सनातानियों का रोम रोम खुश हो जाएगा। कल हैदराबाद में जब संत श्री रामानुचार्य की मूर्ति का उद्घाटन होगा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति, और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने कहा है, 216 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विटी 11वीं सदी की भक्ति संत श्री रामानुचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया है। ये मूर्ति पंचलोहा से बनी है, 5 धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का संयोजन है। आपको बता दें कि प्रतिमा का उद्घाटन 12वीं दिवसीय श्री रामानुजज शास्त्रपति समारोह का हिस्सा है। तो क्या आप जानते हैं कि कौन है ये महंत संत जिनकी इतनी ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है? तो बता दें कि सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पैरबंदूर में जन्मे रामानुचार्य जी एक वैदिक दार्शनिक और एक समाज सुधारक के तौर पर प्रसिद्ध है। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पूर्ण जीवित किया है। उन्होंने अपने उपदेशों से दूसरे भक्ति विचारधारों को प्रेरित किया है। उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। जब से वो एक युवा नवोदित दार्शनिक थे, रामानुज ने प्राकृतिक और उससे संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी के संरक्षण की अपील की। उन्होंने नवरत्नों के नाम से जाने जाने वाले 9 शास्त्रों को लिखा है और वैदिक शास्त्रों पर कई टिप्पणियों की रचना की है। रामानुज को पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्रीगम है। बता दें कि मंदिर में श्री रामानुचार्य की 2 मूर्तियां होंगी। दोनों की बनावट अलग होगी, जिसमें पहली मूर्ति तो अष्ट धातु की है और 216 फीट ऊंची है, तो दूसरी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है। बता दें कि 5 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा 216 फीट की मूर्ति का अनावरण करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंदरूनी कमरे का उद्घाटन 13 फरवरी को करेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।